चिड़िया दा चंबा वे बाबला वे साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबला असा उड़ बाबा जी आपका खत मिला, यूं लगा मेरे घर से कोई आ गया। आपका खत मेरे हाथ में है, ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। छोड़ना नहीं, दो दिन से यहां बारिशें हो रही हैं और मैं घर में बैठी हुई हूं। अपने घर में बारिश में कितना नहाती थी, अम्मा डांटती थी मुझे, और मजा आता था। आसमान की तरफ देखकर कहती थी, अल्लाह साहब और बारिश भेजो। याद है अब्बा जी, एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, आपको मुझे स्कूल छोड़ना था, आपके साइकिल की पहिए की हवा निकल गई थी, वो मैंने निकाली थी। स्कूल नहीं गई और बारिश में नहाती रही। भाई हमेशा मुझसे लड़कर मुझे घर में ले जाता था और मैं रोती हुई आकर आपसे लिपट जाया करती थी। बाबा जी यहां कोई मुझसे लड़ता ही नहीं है, बहुत खामोशी। मैं तो आपकी लाडली थी, फिर मुझे इतनी दूर क्यों भेज दिया। अम्मा कैसी, किसको डांटती, चिड़ियों से बातें कौन करता है, बकरियों को चारा कौन डालता है, तुम्हारी पगड़ी में कलफ कौन लगाता है। बहुत कुछ लिखना चाहती हूँ बाबूजी, लिखा नहीं जा रहा। तुम सब बहुत याद आते हो, तुम्हारी लाडली। लाडली को खत क्यों नहीं लिखा, बहुत सारी बातें तुम्हें बताना है। अम्मा से कहना अपनी हरी चादर तलाश करना छोड़ दे, वो मैंने चुपके से अपने बक्से में रख ली। जब अम्मा की याद आती है मैं वो चादर सूंघ लेती हूं और यूं लगता है मैं अम्मा की बाहों में। तुमने जो कलम भाई के पास होने पर उसको दिया था वो भी मैं ले आई। अब भाई कलम ढूंढेगा तो मुझे याद करेगा। तुम्हारी टूटी हुई ऐनक भी अपने साथ ले आई, सारा दिन शीशे जोड़ने की कोशिश करती रहती हूँ और तुम सामने बैठे रहती हो। बाबा जी इन्हीं बातों से तो मेरा दिन कट जाता है। बाबा
बाबा जी मैंने कल रात एक ख्वाब देखा, तुम अम्मा भाई सहन में बैठे बहुत खुश नजर आए। बाबा जी मगर मैं उदास हो गई। आम के पेड़ पे जो मेरा झूला था ना वो नजर नहीं आया। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, उसे डलवा दो, मैं भी उसी झूले पर बैठती हूं और कच्चे आम तोड़ के खाने लगती हूं। तुमने अच्छा नहीं किया बाबा जी, तुम्हारी लाडली। चिड़िया दा चंगा वे